हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने वाले हैं कि कैसे हम एनबी शॉपी में अपनी केवाईसी और अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो हमें ये प्रोसेस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम nbshopee.com ओपन करेंगे। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तो आपकी जो पेमेंट्स आने वाली है या जो इनकम्स आने वाली हैं वो अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो। हम अपने nbshopee.com की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। अभी हमें लॉगिन करने की आवश्यकता है। यहाँ आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब हम लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं तो हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है जो हमें ज्वाइनिंग के वक्त मिला था। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हम अपनी nbshopee के लॉगिन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ हमें ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहला काम केवाईसी का था तो हम केवाईसी करेंगे। यहाँ आपको लेफ्ट साइड के टॉप बार में देख रहे हैं थ्री लाइंस लगी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको डैशबोर्ड, पर्सनल डिटेल्स, माई नेटवर्क और अर्निंग डिटेल्स के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हमें दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है जो कि पर्सनल डिटेल्स का है, तो इस पर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए क्योंकि हमें अपनी प्रोफाइल भी एडिट करनी है। उसके बाद हम केवाईसी करेंगे। यहाँ हम अपनी प्रोफाइल को एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉमिनी नेम डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप देख चुके हैं कि यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर हम पहले ही दे चुके थे ज्वाइनिंग के वक्त। अब हमें नॉमिनी डालना है तो मैं नॉमिनी डाल देता हूँ। रिलेशन डालना है नॉमिनी के साथ कि आपका नॉमिनी क्या लगता है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस या फिर जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस डाल देना है। तो मैं एड्रेस डाल देता हूँ ऑफ थाना बस। उसके बाद हमें उसी के लास्ट में हमें सिटी भी डाल देना है। देन अब हमारा डिस्ट्रिक्ट डाल देना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का अलग से ऑप्शन है। उसके बाद हमारा स्टेट मध्य प्रदेश, हमारा देश इंडिया, देन आपके एरिया का पिन कोड। फिर हमें क्लिक टू गेट ओटीपी क्लिक करना है। यहाँ पे OTP एंटर कर देना है। जो चाहा था। उसके बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए, थैंक यू, योर प्रोफाइल हैज़ बिन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हमारा प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। देन हम दोबारा से पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और अपडेट KYC पे क्लिक करेंगे। अब हमारा शुरू होता है KYC का असली काम। सबसे पहले हमें यहाँ पे देख लेना है क्या क्या जानकारी लगेगी। तो हमें लगने वाला है पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम अपना नेम डाल देते हैं जो हमारे बैंक में है। तो मैं नाम डाल देता हूँ। उसके बाद आपकी बैंक का नाम डाल देना है। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना है तो मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद ब्रांच का एड्रेस, IFSC कोड, अब हमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। Thank you.
और पैन कार्ड नंबर डाल दिया। अब हमें पैन कार्ड को अपलोड भी करना है, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और पैन कार्ड की फ़ोटो खींच लेंगे कैमरे के माध्यम से, या फिर हमारा पैन कार्ड ऑलरेडी फ़ोटो खींचा हुआ है मोबाइल के अंदर, हमें फाइल्स पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। जब हमारी KYC सबमिट कर देते हैं तो हमें सक्सेसफुल का मैसेज दिखाता है कुछ इस तरह से, इसे ओके कर देना है। देखिए ये KYC हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।